अगेन आज हम प्रेपोजिशंस की बात करेंगे. आपको जैसे मैंने पिछली क्लास में कहा था, वी कैनॉट रिमेंबर प्रेपोजिशंस इन हिंदी. इनका हिंदी मीनिंग कुछ नहीं होता, हिंदी हम याद नहीं करके रख सकते. वी हैव टू रिमेंबर देयर यूसेज, इनका इस्तेमाल आपको याद रखना है, वो चाहे आप हिंदी में याद रखिए. सो फर्स्ट थिंग क्या होगी, जब भी कोई प्रेपोजिशंस की हम बात करेंगे, कन्फ्यूजिंग प्रेपोजिशन एक पेयर होती है प्रेपोजिशंस की, तो हमने उनको उनके यूसेज के हिसाब से यूज़ करना है और किस कैटेगरी में आ रहा है. सो इन ऑन एट आज हम बात करेंगे फॉर लोकेशन या प्लेस. जगहों में इन ऑन एट कैसे यूज होता है. अब अगर मैं हिंदी बोलूं तो हिंदी में इसका मतलब होता है किसी चीज़ में, या इसका मतलब होता है पर, इसका मतलब होता है पे या पर. सो कहने का क्या मतलब है, इन हिंदी इन दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है या इन दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है. सो हिंदी में एट प्रेपोजिशन है ही नहीं. हिंदी में केवल दो प्रेपोजिशंस हैं, इन एंड ऑन. इंग्लिश में तीन प्रेपोजिशंस आ जाते हैं, इन ऑन एंड एट. सो अगर आप ट्रांसलेट करके जा रहे हैं तो आपके क्वेश्चंस गलत होने ही है. सो आपको फर्स्ट चीज़ क्या याद रखनी है कि इन दोनों का मीनिंग और एट का मीनिंग सेम हो सकता है. मतलब एट का मीनिंग और इनका मीनिंग सेम हो सकता है, एट का मीनिंग और ऑन का मीनिंग सेम हो सकता है एज पर हिंदी, राइट. तो इसलिए जब भी आपको इन ऑन एट सॉल्व करने के लिए आएगा, तो अभी हम जो कैटेगरीज जो कंडीशंस की बात करेंगे आपको वो याद रखनी पड़ेंगी. सो सबसे कॉमन कंडीशन क्या होती है, इन होता है जब मैं किसी चीज़ के अंदर की बात करता हूँ. जब तक आप किसी चीज़ के अंदर नहीं होंगे तब तक आप इन यूज़ नहीं कर सकते. ऑन यूज़ होता है जब भी मैं किसी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर टच करके होता हूँ. जब तक आप टच नहीं हो तब तक आप ऑन नहीं हो. और एट होता है जब हम इन दोनों चीज़ों को एग्जैक्ट या स्पेसिफिक बना देते हैं तो एट होता है. जब मैं एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँगा तो एट, जब मैं उसको एक पॉइंट बना दूंगा. जब मैं किसी भी प्लेन के ऊपर टच करके होने की बात करूँगा तो मैं ऑन बोलूँगा, और जब मैं किसी चीज़ के अंदर होने की बात करूँगा तो मैं इन बोलूँगा, राइट. सो लेट जस्ट क्विकली हैव एन एग्जाम्पल. अगर मैं बोलता हूँ इन द डोर, ऑन द डोर और एट द डोर, फिर याद रखने वाली बात क्या है कि गलत तीनों में से कोई भी नहीं है, राइट. तो इन तीनों में फर्क क्या होगा. सो इन द डोर का मतलब दरवाजे के अंदर, तो दरवाजे के अंदर कमरे में नहीं. अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं तो आप इन द डोर नहीं होंगे, आप इन द क्लास होंगे. इन द डोर का मतलब हुआ जो 2 इंच का दरवाजा होता है उसके अंदर कोई चीज़. सो दरवाजे के अंदर क्या क्या हो सकता है, दरवाजे के अंदर की होल हो सकता है, दरवाजे के अंदर कीड़ा या दीमक लग सकती है. तो इन द डोर इज वो जो 2 इंच चौड़ा दरवाजा है उसके अंदर कुछ होना. ऑन द डोर की जब मैं बात करता हूँ तो ऑन द डोर का मतलब होता है अगर दरवाजे पे हमने कुछ टच किया हुआ है, तो चटकनी जो होती है, हैंडल जो होता है, ये सब होते हैं ऑन द डोर. सो चटकनी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लैच. सो लैच इज ऑन द डोर, ठीक है. टर्माइट इज इन द डोर, की होल इज इन द डोर, और एट द डोर होगा स्पेसिफिक पोजिशन. सो जब कोई दरवाजा खटखटाता है तो ना वो दरवाजे के अंदर होता है ना वो दरवाजे पे लटका हुआ होता है. प्लस जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया उस आदमी की स्पेसिफिक पोजीशन घर वालों को पता चल जाती है, तो हम क्या बोलेंगे कि दरवाजे पे देखना समवन इज एट द डोर, राइट. सो एट द डोर हो गया किसी आदमी की स्पेसिफिक पोजीशनिंग. सो जब हम स्पेसिफिक पोजीशन की बात करेंगे तो एट, जब हम टच करने की बात करेंगे तो ऑन, और जब हम किसी चीज़ के अंदर होने की बात करेंगे तो इन. सो गलत कुछ नहीं है, मीनिंग तीनों ठीक हो सकते हैं, डिपेंड करेगा इसके आगे एग्जामिनर ने क्या कंडीशन दी है, राइट. तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनका मतलब अंदर, जब तक आप किसी चीज़ के अंदर नहीं है तब तक इन यूज़ नहीं होगा. ऑन का मतलब किसी चीज़ के ऊपर, जब तक आप किसी चीज़ के ऊपर नहीं है, टच नहीं कर रहे हैं तब तक ऑन यूज़ नहीं होगा. और एट का मतलब जब मैं उसको स्पेसिफिक बना दूंगा, स्पेसिफिक मतलब उसकी स्पेसिफिक लोकेशन की बात करूँगा. अब डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस हम उसको सॉल्व करेंगे. सो हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन तो यही हो गया जहाँ पे तीनों सही हो सकते हैं, हमारे को कंडीशन देखनी पड़ेगी, राइट. अब सेकेंड टाइप की बात कर लेते हैं. इसमें सेकेंड टाइप क्या होती है, इन और एट या ऑन और एट में डिफरेंस, नेम्स. अगर हम स्पेसिफिक नाम यूज करते हैं तो हमें एट यूज करना ही पड़ेगा. सो मैं ये रूल भी याद रख सकता हूँ कि विद प्रॉपर नेम्स वी ऑलवेज यूज एट इन प्लेस ऑफ इन एंड ऑन, राइट. अगेन मैं फिर आपको प्रेपोजिशंस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एग्जाम्स के लिए. अगर हमारे को फिल इन द ब्लैंक में इन, ऑन और एट में से एक पिक करना है तो हमारे रूल्स यूज होंगे, राइट. सो नाम के साथ एट आएगा. सो अगर मैंने बोला ही इज इन, ही इज डैश द पार्क, अब आपको ऑप्शन दिया इन, ऑन और एट. सो नाम तो है नहीं है,
तो ये तो गलत हो गया। अब बस आपको देखना है इन और ऑन में से क्या आएगा, राइट। सो पार्क क्या होता है? पार्क इज अ बाउंड्री, एक कंप्लीट 3D स्पेस होती है, उसके अंदर ग्राउंड होता है, बेंचेस होते हैं, शावर्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो हमारा आंसर हो गया इन, ही इज इन द पार्क। अब ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ ही इज डैश द ग्राउंड, और फिर से आपको ऑप्शन मिलते हैं इन, ऑन, एट, तो वो ग्राउंड में है। अब ग्राउंड के अंदर है कि ऊपर है? ग्राउंड के अंदर तो नहीं खेलते ना हम, मैदान में, वो हिंदी हो गया, राइट। तो अगर आप हिंदी के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे तो फिर ये वाला गलत हो जाएगा। आप मैदान में नहीं खेलते, आप मैदान पर खेलोगे, क्योंकि मैदान एक फ्लैट सरफेस है और आप उसके ऊपर टच करके खड़े हो, तो एक फ्लैट सरफेस के ऊपर हो, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे ऑन द ग्राउंड। अब अगर एग्जामिनर ने पार्क और ग्राउंड की जगह कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर नेम यूज कर दिया तो हम एट लिखेंगे, ही इज डैश गांधी पार्क, तो आ जाएगा ही इज एट गांधी पार्क बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर नाउन। सो अगर मैंने बोला कि मैं पिक्चर हॉल में पिक्चर देखता हूँ तो इन द मूवी हॉल बोल सकता हूँ, अगर मैंने बोला कि मैं बैंक के अंदर बैठा हूँ तो इन द बैंक बोल सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने नाम बोल दिया एट PVR बोलूँगा फिर मैं, तो नाम आते ही किसी भी चीज़ का एट लगेगा, नाम नहीं है तो इन या ऑन लगेगा। दिस इज आर फर्स्ट कंडीशन जब मैं आपकी लोकेशन की बात कर रहा हूँ, आप कहाँ हो, आप पार्क के अंदर हो, आप ग्राउंड के ऊपर हो और आप गांधी पार्क के अंदर हो, मैं गांधी पार्क में बैठा हूँ, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एट का मतलब भी अंदर हो गया और इन का मतलब भी अंदर हो गया या में हो गया। तो हिंदी से आप सॉल्व करोगे तो आप एट वाले क्वेश्चन में हमेशा कन्फ्यूज हो जाओगे, तो हमें याद रखना है हमारा पहला पॉइंट है अगर नाम होगा तो हम एट यूज़ करेंगे। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा, इसमें हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जब तक हम किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग के अंदर होने की बात नहीं करते हैं तब तक एट नहीं लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। अगेन मैं लिख देता हूँ ही इज इन स्कूल, ही इज एट स्कूल, क्या फर्क है दोनों में? अगेन इंपॉर्टेंट है फर्क पता होना, क्योंकि जैसे ही आगे कंडीशन आएगी ये दोनों सेंटेंस अलग अलग है। जब मैंने एक जगह इन लिखा है एक जगह एट लिखा है तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते। तो एट का मतलब एग्जैक्ट पोजीशन तो होगा ही ऑब्वियसली कि वो स्कूल पे गेट पे खड़ा है कहीं खड़ा है, बट इस ये थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। अगर मैं इन स्कूल बोलता हूँ तो हमारे को क्या ध्यान रखना है कि मैं बिल्डिंग के अंदर हूँ, तो इसका क्या मतलब है अभी वो कहाँ है? वो ही इज़ इनसाइड द स्कूल। मतलब ये किस क्वेश्चन का आंसर है? वो कहाँ है? तो आपके घर आपका दोस्त आया या आपकी मम्मी ने आपके दोस्त से पूछा वो कहाँ है? आंटी वो तो स्कूल में है। तो वो स्कूल में है मतलब स्कूल के अंदर है, तो हमारा आंसर हो गया इन स्कूल। सो ये होता है किस क्वेश्चन का आंसर? वेयर का आंसर, वेयर इज ही। तो वेयर इज ही का आंसर होगा ही इज इन स्कूल। तो आपको कंडीशन में यही देखना पड़ेगा। एंड एट स्कूल का क्या मतलब हो गया? ये आपका प्रोफेशन है, करते क्या हो। तो जैसे अब अगर मैं हिंदी बोलूँ, हिंदी में इन दोनों का हिंदी का सेंटेंस सेम होगा, वो कहाँ पर है? स्कूल में है। आजकल करते क्या हो? स्कूल में हो, राइट। तो लेकिन इंग्लिश में फ़र्क क्यों हो गया? क्योंकि आप स्कूल में करते क्या हो, मैं आप स्कूल के अंदर नहीं हो, वो आपका प्रोफेशन है। क्योंकि आप स्कूल के अंदर नहीं हो तो इन यूज़ हो नहीं सकता, इन यूज़ हो नहीं सकता, तो हम क्या यूज़ करेंगे? एट यूज़ करेंगे। तो ये वाला सेंटेंस हमें बताता है कि आप हो क्या, आपका प्रोफेशन क्या है, हु आर यू, ठीक है, या हु आर यू से ज़्यादा हम लिख सकते हैं व्हाट डू यू डू, करते क्या हो। तो व्हाट डू यू का आंसर हो जाएगा तुम क्या करते हो, मैं स्कूल में हूँ, आई एम एट स्कूल। वो कहाँ है? वो स्कूल में है। कहाँ है? इन स्कूल। क्या करता है? एट स्कूल, राइट। सो इसीलिए जैसे ही अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, एक एग्जामिनर अगर हिंट नहीं देगा तो एक शब्द बहुत ज़्यादा यूज होता है, वर्क्स। जैसे ही मैंने लिखा ही वर्क्स, वो काम करता है, तो मैं उसके किसी जगह के अंदर होने की बात कर रहा हूँ या उसके प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ? वो कहाँ काम करता है? प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ। तो ही वर्क्स एट अ बैंक। सो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या हो गया पिछले वाले एग्जाम्पल की वजह से? अगर हम बिल्डिंग में क्या एक्टिविटी होती है उसकी बात कर रहे हैं और बिल्डिंग में होने की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम लोग एट यूज़ करते हैं, इन यूज़ नहीं कर सकते।
सो अगर मैं बोलता हूँ कि मैं स्कूल में हूँ और मैं अपने पढ़ने की बात कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम एट स्कूल, और मैं आपको ढूंढने जा रहा हूँ और आप कहाँ हो, आपके दोस्तों ने बोला वो तो स्कूल के अंदर होगा, तो मैं बोलूँगा ही इज़ इन स्कूल। तो जब तक मैं किसी बिल्डिंग के अंदर क्या है उस चीज़ की बात नहीं करता, तब तक हम इन यूज़ नहीं करते, राइट। इसीलिए आप अपने मैसेजेस में देखोगे जब आप फ़ोन काटते हैं तो बहुत सारी जगह लिखा होता है आई एम एट सिनेमा, आई एम इन सिनेमा नहीं लिखा होता। वाई? बिकॉज आप पिक्चर देख रहे हो, आप एक्टिविटी की बात कर रहे हो, आप पिक्चर हॉल के अंदर हो या बाहर हो उसकी बात नहीं कर रहे हो, राइट। सो अगर मैं किसी भी एक्टिविटी की बात करूँगा तो मैं इन यूज़ नहीं कर सकता, मैं एट यूज़ करूँगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, सो वी रियली नीड टू रिमेंबर दिस, राइट। सो वी कैनॉट यूज़ इन, सो इसीलिए ही वर्क्स एट अ बैंक होता है, ही वर्क्स इन अ बैंक इज़ हिंदी। अगर आप स्पोकन इंग्लिश में भी ऐसी बोलेंगे ही वर्क्स इन अ बैंक, देन अगेन सबको पता चल जाएगा दैट थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब आप हिंदी में सोच रहे हैं, सो वी रियली नीड टू रिमेंबर दैट। हमारा जो थर्ड पॉइंट होता है वो हमें वैसे याद रखना पड़ेगा, देर आर टू वर्ड्स गुड एंड बैड, इनके साथ इन गलत होता है और एट ठीक होता है। तो ही इज गुड इन मैथ्स गलत, ही इज गुड एट मैथ्स गलत, सही, क्योंकि आप मैथ्स के अंदर अच्छे नहीं हो सकते, आप मैथ्स में अच्छे होंगे, वापस वहीं भी लॉजिक पे आ गए, आप उसके अंदर अच्छे नहीं हो, राइट। सो गुड इन तभी ठीक होगा जब हम किसी चीज़ के अंदर अच्छे होंगे। तो मैं जब आपकी क्वालिटीज़ की बात करता हूँ तो गुड और बैड के साथ इन नहीं लगेगा, गुड और बैड के साथ एट लगेगा। सो ही इज़ गुड एट मैथ्स, अगेन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन एग्जाम जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज़ आर पॉइंट थ्री। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है पॉइंट फोर, विच इज कॉल्ड ग्रुप एक्टिविटीज। अब ग्रुप एक्टिविटीज में क्या होता है ये अगेन हमें याद रखना पड़ता है, ग्रुप एक्टिविटीज में हमेशा हम एट यूज करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, वापस मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ग्रुप एक्टिविटीज होती क्या है उनकी बात कर लेते हैं। एक्टिविटीज लाइक मैच, लेक्चर, कॉन्सर्ट एट्सेट्रा, जहाँ पे बहुत सारे लोग जाके कुछ एक काम करते हैं, जो वो सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ जो कोरोना वायरस के चक्कर में बैन है वो सब ग्रुप एक्टिविटीज़ में आएंगी, राइट। जो भी चीज़ आप आजकल करने के लिए अलाउड नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग आप लोग कर रहे हैं, तो उन सब का ऑपोजिट कम्स अंडर ग्रुप एक्टिविटीज़, जो भी बहुत सारे लोग एक साथ करते हैं दैट कम्स अंडर ग्रुप एक्टिविटीज़। सो नाउ व्हाट ग्रामर सेज कि इन सब के साथ हमेशा क्या लगेगा, एट द मैच, एट द लेक्चर, एट द कॉन्सर्ट, द लगता रहेगा क्योंकि आपको पता होगा आप कहाँ पर हैं, बट इनके साथ इन नहीं लगेगा, एट लगेगा। अब एग्जामिनर इसी रूल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, सो इन द लेक्चर और एट द लेक्चर में हमें फ़र्क पता होना चाहिए। सो जब मैं एट द लेक्चर की बात करता हूँ और इन द लेक्चर की बात करता हूँ, वॉट इज़ द डिफरेंस, राइट। सो एट द लेक्चर हो गया आप लोग, आप अगर मेरा क्लास देख रहे हो या फिजिकली मेरा क्लास अटेंड कर रहे हो तो स्टूडेंट्स कहाँ होंगे, स्टूडेंट्स लेक्चर में होंगे, सब लोग बैठ के मेरी क्लास देख रहे होंगे, सो दैट वुड बी एट द लेक्चर। वेयर्स इन द लेक्चर क्या हुआ, जो टॉपिक हम कवर करेंगे, आज हमने क्या पढ़ा लेक्चर में, प्रेपोजिशंस। सो वी कवर्ड प्रेपोजिशंस इन द लेक्चर एंड देयर वर 50 स्टूडेंट्स एट द लेक्चर। सो विराट कोहली मैच में होगा लेकिन वो मैच के अंदर है, तो विराट कोहली इज़ इन द टीम, विराट कोहली इज़ इन द मैच, लेकिन जो ऑडियंस ताली बजा रही होगी दैट ऑडियंस वुड बी एट द मैच। जो सिंगर गाना गा रहा होगा उसने कॉन्सर्ट में तीन गाने गाए, ही सैंग थ्री सॉन्ग्स इन द कॉन्सर्ट, लेकिन जैसे ही आप ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे आप क्या बोलोगे, एट द कॉन्सर्ट, राइट। सो जितनी भी एट द वेडिंग, राइट, तो जितनी भी ग्रुप एक्टिविटीज़ होंगी वो सब में एट लगेगा, क्यों, क्योंकि हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं जो वहाँ पर बस प्रेजेंट है, दैट्स इट, वो उस एक्टिविटी के अंदर नहीं गया। तो दिस इज़ आर पॉइंट नंबर फोर व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रुप एक्टिविटीज़। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मीटिंग पॉइंट। अब ये अगेन, अब जैसे मैंने क्लब बोला तो हम क्या बोलेंगे, इन द क्लब, बहुत कॉमन सा, लेकिन जैसे ही एग्जामिनर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है वो लिख देता है लेट्स मीट, तो अब इन गलत हो गया, क्यों, क्योंकि वो क्लब के अंदर होने की बात नहीं कर रहा, उसने एक मीटिंग पॉइंट बुला लिया, यार कल मिलते हैं, कहाँ मिले, क्लब में मिलते हैं,
तो लेट्स मीट एट द क्लब, वो क्लब के अंदर बाहर की बात नहीं कर रहा, इट्स अ मीटिंग पॉइंट जो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, तो दिस बिकम्स अ स्पेसिफिक प्लेस। सो अगर मैंने नाम लिखा होता इस क्लब में मिलते हैं उस क्लब में मिलते हैं तो ऐट आता ही, वो तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि नाम के साथ तो ऐट आएगा ही आएगा। लेकिन अगर मैं नाम नहीं लिखता हूँ तो भी कुछ जगह पे, क्योंकि मैं क्लब के अंदर होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल मिलने की बात कर रहा हूँ, तो ऐट आएगा, राइट। जितना ज़्यादा आप इसको हिंदी में सोचेंगे उतना कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि इसका हिंदी भी क्या, क्लब में मिलते हैं, राइट। तो क्लब के अंदर बाहर की बात नहीं हो रही है, केवल मिलने की बात हो रही है, तो इंग्लिश में इन गलत होता है और ऐट आता है। तो अगर मैं इन चार पॉइंट्स पे आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐट का जो बेसिक मीनिंग है वो इन भी हो सकता है और ऑन भी हो सकता है। अगर मैं हिंदी से सोचूं, ऐट का मतलब मे भी हो सकता है और पर भी हो सकता है। तो हिंदी में हमारे पास केवल दो प्रेपोजिशन है, दैट इज इन एंड ऑन, और इंग्लिश में इन्हीं दो की जगह तीन प्रेपोजिशन है, इन ऑन ऐट। इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझना, राइट। इसकी हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे अगला सेशन में, तो तब थोड़ा सा और आपको बेटर समझ में आएगा। सो दिस इज आवर पॉइंट नंबर 4 विच इज मीटिंग पॉइंट। अगर मैं किसी भी चीज़ को मीटिंग पॉइंट बना देता हूँ तो इन की जगह या ऑन की जगह क्या लगेगा, एट लगेगा। सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ट्रांसपोर्ट। अब इसमें हम ट्रांसपोर्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पब्लिक और टू व्हीलर्स एंड प्राइवेट और टैक्सीज, राइट। सो अब क्या होता है अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट या टू व्हीलर्स की बात करता हूँ, एग्जाम में हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट आता है, 99% केसेस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आता है। तो इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ने के लिए और टू व्हीलर्स में चढ़ने के लिए यूज होता है वर्ड ऑन, गेट ऑन, और उतरने के लिए वर्ड यूज होता है ऑन का उल्टा ऑफ। और अगर मैं कार और प्राइवेट और टैक्सीज की बात करूं तो चढ़ने के लिए यूज होता है इन और उतरने के लिए यूज होता है आउट, राइट। सो अब हमें क्या देखना है, क्योंकि नॉर्मली यही प्रॉब्लम होती है कि वो बस में चढ़ा, ही गॉट इन द बस, सो ही गॉट इन द बस गलत है, ही गॉट ऑन द बस, राइट। बस से उतरा, ही गॉट आउट ऑफ द बस गलत है, ही गॉट ऑफ द बस। तो चढ़ने के लिए ऑन, उतरने के लिए ऑफ, अगर वो पब्लिक व्हीकल है। पब्लिक व्हीकल मींस वो व्हीकल जिसमें आप टिकट लेके खड़े होते हैं। आप किसी भी प्लेन क्रैश का अगर कोई पास्ट न्यूज़ देखेंगे तो आप लिखेंगे एवरीबडी ऑन बोर्ड, हर कोई जो विमान में था बच गया, हर कोई जो विमान में था मर गया, एवरीबडी ऑन बोर्ड डाइड, एवरीबडी ऑन बोर्ड इज सेफ। तो वो इन द प्लेन नहीं बोलते, वो ऑन द प्लेन बोलते हैं। वाई? बिकॉज प्लेन इज़ अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ पर आप टिकट लेके जाते हैं। तो अगर आप आपका अपना प्लेन है और आपने खरीदा हुआ है और आप टिकट लेके नहीं जाते तो आप कहाँ हो जाएंगे, इन द प्लेन। सो अगर हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो इसका रूल थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट एग्जाम्स में हम सिंपल रख सकते हैं, प्लेन्स, शिप्स, ट्रेन्स, बसेस एटसेट्रा ऑन, राइट। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। कार और टैक्सी, टैक्सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, टैक्सी इज़ अ चार्टर्ड सर्विस जब शुरू हुई थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और चार्टर्ड सर्विस में डिफरेंस क्या होता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ पे आप टिकट लेके बैठते हैं, सीट के हिसाब से बैठते हैं, बस चार्टर्ड सर्विसेज जिसको आप पूरा का पूरा हायर करते हैं। तो टैक्सीज पूरी किराए पे ली जाती थी, इसलिए टैक्सीज के साथ इन लगता है। वैसे बस में आप या ट्रेन में आप एक सीट लेके बैठ सकते हैं, बाकी कौन है आपको फर्क भी नहीं पड़ता, तो इसलिए वहाँ पे इन लगता है। अब इसका पहला वेरिएशन तो इन और ऑन हो गया कि आपको गेट ऑन लिखना है या गेट इन लिखना है। दूसरा इसमें जो ऑप्शन होता है, ही इज डैश द बस। अब अगर मैं यहाँ पे इन द बस लिखता हूँ तो उसका मतलब है आप उसको ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ है, वो बस के अंदर है। तो अगर एग्जामिनर ने केवल इतना सेंटेंस लिखा है तो इसका आंसर कभी भी इन नहीं होगा, इसका आंसर हमेशा ऑन होगा। क्यों? क्योंकि वो आपको बस के अंदर होने की बात नहीं कर रहा है। ही इज ऑन द बस का क्या मतलब हुआ? वो बस से जा रहा है, राइट। तो अगर उसने कंडीशन नहीं दी, ऑब्वियसली अगर आप बस में बैठे हो तो आप कहीं जा ही रहे होगे, ये बेसिक चीज़ है, ये माना जाता है कि आप बस से कहीं जा रहे हो। तो अगर आप इन लिखा है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ही इज ऑन द बस, ही इज इन द बस गलत हो जाएगा। वाई? बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग। अगर एग्जामिनर को इन द बस लिखवाना होता तो वो बोलता लेकिन मेरे को मिल नहीं रहा, कहाँ छुप गया, राइट। है तो बस के अंदर ही लेकिन ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, राइट। सो अभी तक हम जो कर रहे थे, इन द बस, बस के अंदर, ऑन द बस, बस की छत पे, ठीक है, वो हो गया पोजीशनिंग। लेकिन जैसे ही हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं तो ऑन द बस होगा और इन द कार होगा। तो इस ऑन का मतलब बस के ऊपर नहीं हुआ, इस ऑन का मतलब हुआ वो बस से कहीं जा रहा है, राइट। सो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है, ही केम
डैश अ बस ही केम डैश बस, ये हम इसमें कर रहे हैं, हम अलग से भी करेंगे इसको, राइट। अब हमारे पास ये दो वेरिएशंस हैं, यहाँ पे बस हमें एक ही हिंट मिलती है, यहाँ पे आर्टिकल आया अ या द, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है। अगर आर्टिकल होता है तो हमारा आंसर या तो ऑन होगा या इन होगा, बस लिखा है तो हमारा आंसर ऑन हो जाएगा, कार लिखा होता तो हमारा आंसर इन हो जाता। लेकिन जैसे ही यहाँ से आर्टिकल गायब है और एग्जामिनर ने आपको ऑन इन और बाय दिया तो आपका आंसर ऑन और इन गलत हो गया, क्योंकि आर्टिकल आना जरूरी है अगर आप ऑन और इन चाहते हैं, तो आपका आंसर बाय हो जाएगा। सो वो बस से आया और वो बस से आया, अब आप दोबारा लिखें कैसे भी करें हिंदी में, इंग्लिश में सिंपल सा रूल है, अगर आर्टिकल आया तो आप इन या ऑन लगाएंगे, आर्टिकल नहीं आया तो आप बाय लगाएंगे। दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ इनोनेट, थोड़ा सा इसमें पॉइंटर्स है जो हम अपना नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे। थैंक यू।